बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पैट्रियोटिक डिफेंस। दोस्तों, हाल ही में चाइना ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद अपना सफारत खाना जारी रखेगा। ये चाइना का तालिबान के लिए एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और चाइना तालिबान के साथ ताल्लुकात के लिए भी हाथ बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, किसी हद तक चाइना अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर चुका है और चंद दिन कबल दोहा में भी तालिबान के बैन अवी तर्जमान सोहेल शहीन ने भी ये कहा है कि बीजिंग अफगानिस्तान में इंसानी फलाह बहबूद को बढ़ाना चाहता है। तो इट मीन्स थिंग्स आर चेंजिंग गुड फॉर तालिबान। लेकिन इसके बरक्स मगरबी ममालिक ने तालिबान को मारने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसे साफ इनकार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो इस बारे में सोच भी नहीं रहे। दोस्तों, बात अगर अमेरिका की जाए तो भाई, इतनी बुरी शिकस्त के बाद कोई मुल्क अपने हरीफ की फतह को कैसे तस्लीम कर ले? और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि तालिबान को तस्लीम करना या ना करना तमाम ममालिक के मुश्तरका फैसले पर इन्हिसार करे। दोस्तों, पाकिस्तान इसका फौरी हल चाहता है, क्योंकि किसी हद तक पाकिस्तान के अमन का क्याम अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि यह मसला फौरी हल हो। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो इसका तो दिवालिया ही निकल चुका है। अफगानिस्तान में खरबों की सरमायाकारी के बाद अब इसके हाथ खाली के खाली रह गए हैं, और अब इस पूरी कहानी में इसका कोई किरदार नहीं। भारत के पास अब सवाए हाथ मलने को कोई चारा नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ तालिबान ने अफगानिस्तान के तमाम इलाकों के कंट्रोल का दावा किया है। तालिबान ने वादी पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे साफ नज़र आता है कि अब तालिबान की राह में कोई कांटा नहीं बचा, और अगर कोई बच भी गया है तो इतना छोटा है कि तालिबान को उससे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इनके रास्ते में अब कोई हायल होना भी क्यों चाहेगा? तकरीबन 86 बिलियन डॉलर का अमरीकी असला अब तालिबान के कब्ज़े में है। तालिबान चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में शरीयत नाफज करे। काफ़ी हद तक अफगानी अवाम भी तालिबान की हुकूमत से खुश है। तालिबान भी अफगानिस्तान में अमन के लिए पूरी उम्मीद हैं। वो ये भी चाहते हैं कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्हें तस्लीम कर लें, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ लौटें। इसलिए वो बेशतर ममालिक के साथ रबते में हैं, और वो अफगानिस्तान को एक पुरअमन मुल्क देखना चाहते हैं। और उनका ख्याल इस बात से भी ज़ाहिर होता है कि उन्होंने अपने तमाम दुश्मनों, मसलन नेटो इत्तेहादी मुजाहिदीन और दीगर तहरीकों को भी माफ़ करने का ऐलान किया है। अब दोस्तों, इस बात से तो साफ नज़र आता है ना कि वो और जंग और खूनरेजी नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई इन्हें ये करने पर ललकारे मत। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान में पिछली निसफ सदी से ये चलती आ रही है जंग अब अख्ताम को पहुँचती नज़र आ रही है। ये जंग हमेशा बरूनी मदाखलत से बरकी है, कभी समंदर की रसाई के बहाने से, तो कभी मुल्ला अमर और उसामा बिन लादन को शहीद करने के बहाने से। जो भी हो, इस जंग का खमियाजा अफगानी अवाम भुगतती आ रही है, और किसी हद तक पाकिस्तानी भी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगी? क्या तालिबान अपनी नई हुकूमत कायम कर पाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। खुदा नेकबान।